मेरे और डैड के साथ नाचोस खाना चाहोगे? मुझे नहीं पता रूबी, अब मैं मेव के साथ हूँ, शायद मतलब थोड़ा अजीब है ये। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम अचानक से मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही हो और मेरे कैंपेन में मेरी हेल्प भी कर रही हो। इतना भी हवा में मत उड़ो ओटिस, तुम्हें बता दूं ओ और मैं सेम स्कूल में थे, पर तब सब उसे सारा ओवन बुलाते थे, उन्होंने वो वीडियो ऑनलाइन डाल दिया और सबको पता चल गया। रूबी ये तो बहुत गलत है, मुझे बुरा लग रहा है। देखो इसमें शर्म वाली क्या बात है, और जब कोई बच्चा बुली किया जाता है तो उसे बेड गीला करने की प्रॉब्लम हो सकती है। ओह प्लीज ओटिस, इस वक्त थेरेपिस्ट मोड में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक स्पेशलिस्ट से मिली और बिल्कुल ठीक हो गई। जाहिर है मुझे अच्छा लगा तुमने ये शेयर किया। प्राइमरी स्कूल वैसे भी नर्क था, छोड़ो जाने दो, मैं वो अजीब बच्ची थी, अजीब मॉम डैड वाली जिसकी मॉम उसके कपड़े बनाती थी, मुझे लगा इससे बुरा क्या होगा, और फिर ये सब हुआ। मैं हर रोज अपना लंच टॉयलेट में खाती थी एकदम अकेले छुट्टियों तक, क्योंकि बेड वेटर के साथ कौन रहेगा। रूबी तुम्हारे साथ गलत हुआ। नहीं बस करो, ऐसी तरस भरी नजर से मत देखो मुझे, मैं उल्टी कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नॉर्मल नजर से देख रहा हूँ।